और इस बीच बड़ी खबर बता दें, एलजेपीआर की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। चिराग पासवान चुने गए संसदीय दल के नेता। एलजेपीआर संसदीय दल के नेता चुने गए हैं चिराग पासवान। देखिए 5 की 5 सीट जीतकर बिहार से यहां पर सामने आए चिराग पासवान की पार्टी और अब उन्हें चुना गया है संसदीय दल के नेता के तौर पर एलजेपीआर के। और इसके साथ साथ बैठक में तमाम यहां पर जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, चिराग पासवान संसदीय दल के नेता चुने गए हैं, एलजेपीआर संसदीय दल के वो नेता चुने गए। इसके साथ साथ ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं किस तरीके से अब उन्हें बनाया गया है। बढ़ेंगे आगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली में लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी की बैठक के बाद चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल की तरह इस बार भी मोदी की अगुवाई में मजबूत सरकार चलेगी। सुनिए क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने। नहीं बिल्कुल, और महज एक औपचारिकता है हमारे प्रधानमंत्री जी को नेता चुनने की। हम सब ने उन्हीं के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उन्हीं के नेतृत्व में ये सामर्थ्य था कि लगातार तीसरी बार एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। ऐसे में आज तमाम एनडीए के सांसद इकट्ठे होंगे संविधान सदन में, वहां पर इकट्ठे होकर इस औपचारिकता को पूरा किया जाएगा और जल्द एनडीए सरकार बनाने जा रहा है तीसरी बार।